स्टार्टिंग में ही हाथ जोड़ के गिड़गिड़ा लेती हूँ, क्या पता हृदय परिवर्तन हो जाए। इफ एनीवन फ्रॉम YRF इज सीइंग दिस, प्लीज हाथ जोड़ के विनती है कि स्ट्राइक का क्लेम ना डाले, प्लीज। कंप्लीटली फेयर यूज है, प्लस मैं गाली नहीं देती वीडियोस में, सो प्लीज कंसिडर इट। ओके, थैंक यू, लेट्स गो। ब्रिलियंट, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। This movie asks a lot of questions, like प्यार क्या है, माया कौन है, sandwiches किसके हैं, तुम्हारी jeans कहाँ है, अरे रे अरे ये क्या हुआ, and this। तुम अपनी पूरी जिंदगी मेरे साथ गुजार सकती हो क्या? इतने सारे सवालों के बाद जो टाइम बचा है उसमें है lot of this। It's just a dance, not exercise, calm down। Romance? The dance. Speaking of dance, did you notice Shahid Kapoor as a background dancer here? Yeah. Mohabbat? Kya hai? Pyar is to chill. Not quite my tempo. That lamba era जहां YRF और धर्मा का राज चलता था, the entire era of stars and प्यार्स, Hindi film star। जाहिर सी बात है कि एक दो आइडियाज तो वेलप होंगे। Take a lead, for example, the most Rahulest Rahul ever। मैं किसी लड़की वड़की से प्यार नहीं करता, सिर्फ लड़कियां मुझसे प्यार करती हैं। मैं लड़कियों के पीछे नहीं भागता, लड़कियां मेरे पीछे भागती हैं। राहुल हैविंग वन टॉमबॉय गर्ल स्लैश बेस्ट फ्रेंड स्लैश पर्सन ही कैन रोस्ट ऑन डेली बेसिस। ए देखो, तुम ये लड़कियों जैसी बातें मुझसे मत किया करो प्लीज। लड़कियों की तरह मत चलाओ। एंड कैन रिजेक्ट द फैक्ट दैट शी हैज इवन वन आउंस ऑफ फेमिनिटी। लड़की, यहाँ पर कौन सी लड़की है? मैं। तुम तो लड़की हो ही नहीं, तुम्हारी मूछें बड़ी। ये तो नॉर्मल बात है यार। राहुल इज द वर्स्ट, राहुल इज द डॉग, राहुल इज द मंकी। वाओ, इज राइट, या या ही सो स्वीट, ये कितना हैंडसम है। लेकिन ये बात हम कतई नहीं भूल सकते कि दिस मूवी सिंगल हैंडेडली प्रेडिक्टेड ऑलमोस्ट एंटायरिटी ऑफ शाहरुख करियर इन जस्ट दिस डायलॉग। कभी वो मासूम है तो कभी शैतान, कभी पागल है तो कभी जीनियस है, कभी गुस्से से बहुत डांट देता है तो कभी उल्टे सीधे चेहरे बनाकर हंसा देता है, कभी कभी बच्चों से भी ज्यादा जिद्दी है तो कभी कभी एक प्यारा सा साथी। राहुल राहुल द लॉट इन दिस मूवी। आई एम राहुल, नाम तो सुना होगा। राहुल, नाम तो सुना होगा। फॉर अ पर्सन वर्किंग इन द क्रिएटिव फील्ड, ही इज नीडलेसली मॉर्बिड आल्सो। मर गया राहुल, क्या है? मर गया राहुल। एंड हिज सॉर्ट ऑफ बेस्ट फ्रेंड इज निशा, हु इज आल्सो इन लव विद हिम, लाइक सरप्राइज सरप्राइज। तुम भी तो मेरे कमरे में घुसा दी जब मैंने कुछ नहीं पहना था। फिर तुम्हारी बात अलग। व्हाट? निशा एंड पूजा, मुझे पता नहीं पर क्यों ये यूजलेस फैक्ट याद है कि करिश्मा कपूर ऑलवेज प्लेड पूजा इन मूवीज एंड माधुरी दीक्षित वाज ऑलमोस्ट ऑलवेज निशा, लेकिन यहाँ पे उनके दूसरे नाम है। निशा इज पूजा, पूजा इज निशा। नोट डाउन करने की कोई जरूरत नहीं है, ये यूपीएससी में नहीं आएगा। निशा कैरेक्टर हैज व्हाट यू कॉल एन एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल। पहले तुम प्रॉमिस करो तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगे। ऑल्सो शी ब्लेम्स हरसेल्फ फॉर लिटरली एवरीथिंग। अब मेरी वजह से तुम्हें बहुत परेशानी होगी ना, मुझे खुद से डर लगने लगा है राहुल, मैं बहुत बुरी हूँ। निशा इज द काइंड ऑफ गर्ल जो ब्रेक अ लेग बोलने पे सच में पैर तुड़वा के आ जाती है, और तो और वो टूटा हुआ पैर लेके भी डांस कर सकती है फॉर हर क्रश टू जस्ट नोटिस हर। अरे पूछो ना जरा मेरे दिन के बारे में भी। कतई स्टूपिड इंसान है निशा, कैरेक्टर ही बिल्कुल गलत है। आई एम लाइक निशा, इफ यू आर ऑल्सो लाइक निशा, hit the like button so I know I'm not alone। And then we have Pooja। By the looks of it, या तो ये Pandora में रहती है या फिर सावरिया के सेट पे। कोई नहीं, खैर आजकल तो हर TikToker का background ही ऐसा है, लेकिन ये तब की बातें हैं। कभी कभी किसी दूसरे को खुशी देने में इतनी खुशी मिलती है। आह, क्लासिक पीपल प्लीजर वाली हरकतें। तू हमेशा पहले दूसरों के बारे में सोचती है फिर अपने बारे में। She not only falls in love, she falls also like in real life, बिना किसी obstacles के। A people pleaser with poor motor skills, sounds like me once again। If you are also like Pooja, hit the like button so I know I am not alone once again। पहले से like दबा दिया है तो फिर से मत दबा देना, stupid। And lastly we have Ajay, जो निशा का best friend है। Oh sorry, पूजा, पूजा, damn it,
पूजा का बेस्ट फ्रेंड है एंड ही हैज अमेजिंग केमिस्ट्री विद हर, क्योंकि बचपन का प्यार। अजय और पूजा जैसी दोस्ती तो मैंने कभी देखी ही नहीं। दे टॉक टू ईच अदर यूजिंग वॉइस नोट्स बिफोर वॉइस नोट्स वर अ थिंग। ओए मोटी, क्या हाल है तेरा? शट अप, मैं मोटी नहीं हूँ। केमिस्ट्री के साथ साथ इनकी जियोग्राफी भी बहुत मस्त है। कहाँ जा रहे हैं? इंडिया से दूर नहीं, बहुत ही करीब, रात की फ्लाइट से वापस आ जाएंगे। हाँ हाँ, इंडिया के पास है तो वीजा की क्या ही जरूरत। लॉल, ये सब एक बहाना था, मेरा इरादा कुछ और था यहाँ आने का। कई लाखों एनआरआई लोगों की तरह ये भी इंडिया आए हैं सिर्फ एक ही चाहत रखते हुए कि यार शादी। 8 साल हो गए मुझे इंडिया से बाहर गए हुए, बहुत भाग दौड़ कर ली, अब ठहर जाना चाहता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। बनी विल नॉट लाइक हिम। रुकना नहीं चाहता। ओह वेट, इसने भी तो अल्टीमेटली किया वही 8 साल बाद। वैसे तुम्हारे इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने टीना को छोड़ दिया, उसे हिंदी फिल्में बिल्कुल पसंद नहीं। हाउ डेयर ही। वेल, लौट के आना ही पड़ा ना वापस। चलो यार, हमें क्या, हम चलते हैं स्टोरी की तरफ। हमारा नया प्ले माया, ये क्या है? इस वक्त सिर्फ मेरे एहसास में है, दिमाग में नहीं उतरी। हाँ भाई हाँ, रिलेटेबल। This was me in school when my teacher asked, कुछ पढ़ के आए हो? दिमाग में नहीं उतरी। Rahul as a director is very good at his job. Director मैं हूँ, मैं जब चाहूँ जो चाहूँ वैसा बदल सकता हूँ, तुमको भी समझे? I mean, look at his headset, total profesh. More passion, more energy, more energy, more footwork. लेकिन राहुल थोड़ा सा तो delulu है। मैं नहीं जानता कि ऐसी कोई लड़की है या नहीं, और मैं जानना भी नहीं चाहता। I mean, basically his crush is an imaginary person named Maya. Maya, oh. Preferably female. वो एक एहसास है, वो ख्याल है, वो खूबसूरत है। माया ये सब कुछ है। जिस माया की इतनी तारीफ हो रही है, well, she is first of all not Maya. मेरा नाम पूजा है। Of course, पूजा ही तो है। And she is, कैसे समझाऊं? She is on grass. No, quite literally. राहुल के दोस्त भी है कुछ, आई मीन लोनर थोड़े है वो मेरे जैसा। इट लुक्स लाइक द किड्स फ्रॉम कोई मिल गया ग्रू अप एंड डिसाइडेड चलो राहुल से दोस्ती करते हैं। राहुल का दिमाग खड़का, माया पे उसका दिल धड़का, लड़की इमेजिनरी है, प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, टन टना। सो इवेंचुअली राहुल एंड पूजा मीट बिकॉज द मूवी हैज टू हैपन। ऑल्सो निशा इज इन लव विथ राहुल बिकॉज नो वन साइडेड लव पेन इक्वल्स नो हिट पिक्चर। इट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल फीलिंग इन द वर्ल्ड। निशा द ऑसम डांसर लिटरली ब्रोक अ लेग एंड राहुल हैड टू हायर समवन एल्स, इन दिस केस पूजा टू रिप्लेस हर। मुझ जैसी डांसर तो तुम्हें मिल ही नहीं सकती, मगर मेरी तेरी जैसी कोई डांसर नहीं मिल सकती। एक बार आप रिहर्सल पे आ जाइए, उसके बाद मत आइएगा। देखिए प्लीज प्लीज आ जाइए। वैसे देखा जाए तो अगर निशा का पैर नहीं टूटता तो राहुल और पूजा कभी नहीं मिलते। सो निशा ने एक तरह से अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। वाह मुहावरे, वाह मेटाफर्स। रिलेटेबल बहन, काफी बार हो चुका है मेरे साथ भी, कोई ना। Everything's going to be fine. राहुल एंड पूजा aka माया फॉल इन लव ओवर द पावर ऑफ सिंक्रोनाइज्ड डांसिंग। रोमांस द डांस। अपेरेंटली ऑल इट टेक्स टू विन समवन्स हार्ट इज परफेक्टली कोऑर्डिनेटेड डांस रूटीन इन द रेन। हु न्यू? वेल पीकॉक्स, ब्रो थिंक्स ही इज मोर। अभी एक वायरल फ्लू होगा, मोर से नो मोर बन जाएंगे आप, काम डाउन प्लीज। मर गया राहुल। बट क्योंकि निशा मोर से सॉरी राहुल से प्यार करती है तो उसे थोड़ी सी जलन तो होगी ही। एंड आई लाइक हाउ शी इज सो वोकल अबाउट दैट। आई मीन बहुत ही अच्छा और सुलझा हुआ इंसान होने के लक्षण होते हैं कि दिल में जो बात है वो बता दे खुल के। दिल में जो बात है कह दूं। राइट रॉन्ग, what she does next will blow your mind. Wow, I sound like a BuzzFeed article. वो अपना टूटा हुआ दिल और पैर लेके जाती है और चैलेंज करती है पूजा को in a face off कि ब्रो आजा नच ले। More passion, more energy, more energy, more footwork. Damn bro, she's crazy in love. तो चलता है। और अगर तुम लोगों को ये बात समझ में नहीं आती तो I'm very sorry. जो डर गया वो घर गया के रूल्स के तहत, पूजा गॉट स्केयर्ड फर्स्ट सो शी लूजेस। ले हिम जे हर ऑल द बेस्ट टू यू, बाय, सी यू। उस समय व्हाट्सएप नहीं होता था ना, तो डीपी हटाने की प्रथा नहीं थी, तो निशा मेम साहब चली ही गई ऑन अ वेकेशन, ये सोच के कि वो नहीं रहेगी तो राहुल उसे मिस करेगा और जब वो वापस आएगी तो उन दोनों की शादी हो जाएगी। तो तुम अपने घुटने टेक कर मुझसे शादी करने के लिए भीख मांगोगे? या काफी डेलुलू लोग प्यार में बावले हो जाते हैं यार लोग, कोई नहीं। बट जब वो वापस आई कि तुम्हें नहीं लगता कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं? She
she realized that Rahul kind of missed the part where he was supposed to miss her. फिर वही एक तरफा प्यार, कितने भी तो कर ले सितम, हंस हंस के सहेंगे हम. But Nisha को eventually याद आता है those three golden words. Sisters before misters. एक प्रेम कहानी का एंड हमेशा खुशी में होना चाहिए. इनफैक्ट बहुत ही क्यूट सीन है जहाँ शी एक्सेप्ट्स हर नादानियत एंड दे बिकम फ्रेंड्स. चलो आज एक नई दोस्ती की शुरुआत करते हैं. इंस्टेड ऑफ फाइटिंग ओवर अ बॉय इन अ 90s मूवी. ओह माय गॉड, ये कैसे हो सकता है? आई कैनॉट टेल यू हाउ हैप्पी आई एम. इतनी खुशी. एक्चुअली आई कैन, लुक एट माई फेस, दिस इज हाउ हैप्पी आई एम. You know what I think would have been interesting? अगर पूजा को प्यार होता राहुल से और राहुल को प्यार होता माया से, like सिर्फ माया से. मैं नहीं जानता कि ऐसी कोई लड़की है या नहीं, और मैं जानना भी नहीं चाहता. जो कि पूजा ही है, but it's not the same. Same same but different. That would have made a great psychological drama. माया. राहुल आता पूजा को समझाने कि तुम ही माया हो, प्लीज अंडरस्टैंड. एंड पूजा कहती कि नहीं, ये मैं नहीं हूँ वेद. सॉरी अपोलॉजीज, ये कटोरी भर के सूखा बॉर्नविटा खाने के बाद तमाशा देखने का जो हैबिट है उसे कम करना होगा. आई अंडरस्टैंड. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द कंक्लूजन एंड एक्ट लाइक द लास्ट 10 seconds डिड नॉट हैपन. ओके, इस फिल्म की जान है इसके गाने. दिल तो पागल है इज हैंड्स डाउन द बाप ऑफ ऑल फिल्म्स बेस्ड ऑन दिल, दोस्ती, प्यार. ये हम डिनाई नहीं कर सकते. एंड आई विल एडमिट कि आज से पहले मैंने ये फिल्म नहीं देखी थी और मुझे आइडिया भी नहीं था कि स्टोरी क्या है. एंड आई वाज रियली स्टंड कि फॉर अ मूवी दिस ओल्ड द स्क्रिप्ट एंड द स्क्रीन प्ले इज रियली फ्रेश. बहुत कम प्रॉब्लमेटिक चीजें हैं एंड आई काउंट दैट एज अ विन. ऑल्सो आई एम अ ह्यूज माधुरी दीक्षित सिंप, सो इट वॉज लाइक एन एडेड बोनस फॉर मी. यू शुड डेफिनेटली वॉच दिस फिल्म इफ यू लाइक चीजी रोमांटिक्स. या लाइक एटलीस्ट वंस इन योर lifetime. And no, this is not a sponsored post by YRF. I genuinely mean it. मैंने तो मोहब्बत को दोस्ती का नाम देकर अपनी जिंदगी गुजार दी है. ये तो बेईमानी है पूजा, दोस्ती के साथ भी और मोहब्बत के साथ भी. एक सेकंड. लेकिन प्यार ही तो दोस्ती है, right? अगर वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त नहीं बन सकती तो मैं उससे कभी प्यार कर ही नहीं सकता. I'm confused all over again. Let's go to the starring, shall we? Please, let's go. हाथ मांगना. अपना हाथ आगे कर, हाथ आगे कर. अच्छा चल अपना हाथ दे. हाथ दे अपना. मैं हीरोइन हूँ. कि जब से ये जगह बनी है इस स्टेज पर सिर्फ मैंने डांस किया है. मेरी फियांसे तेरे पास, तेरी बेस्ट फ्रेंड मेरे पास. आपकी शादी हो गई? जी. Make some noise for the NRI boy. बहन डर गई. निर्देशक. तुम क्या समझती हो तुम बहुत अच्छी डांसर हो? इस शहर में एक से एक अच्छी डांसर मिल सकती. इमेजिनरी. तो मैं ही माया, माया, माया के बारे मुझे माया वाला समझ में नहीं आता. इन फ्लर्टी डांसिंग. दैट्स इट. किसी को कोई सवाल पूछना है? Okay, cute tease. That is it for Dil To Pagal Hai. Thank you for watching. अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और शेयर करो अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ जिन पे तुम्हें क्रश है. जल्दी जल्दी, क्या पता ये वीडियो कभी भी उड़ जाए. Who knows? And like usual, if you wanna talk about life, about cinema, please feel free to slide into my DMs on Instagram. DM on Instagram. DMs क्या होता है बे? Okay, I will be back with yet another video. Till then, okay, चलो bye. आई नेवर न्यू ये कास्ट एंड क्रू को लेके क्रेडिट्स वाला जो पैंथरा है ये फारा खान से पहले यश अंकल कर चुके हैं. नॉट गोना लाई, आई रियली जेन्युइनली लव्ड इट. लाइक मजा आ गया. नाइस.